वेल गाइस, तो फाइनली NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर NJPW में एक और बड़ा डेब्यू हो चुका है, और इस बार ये डेब्यू और किसी का ना होके बल्कि मैट रिडल का हुआ है। गाइस, मैट रिडल के WWE से फायर्ड होने के बाद आज यहां पर NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर रिडल एक्शन में देखने को मिले। यहां पर NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर मैट रिडल जैक सिविल जूनियर और बैट डी टीटो को फेस करते गए, और यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर मैट रिडल उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर रिडल के मिस्ट्री पार्टनर और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड एम्पायर के मेंबर जेफ कॉब होते गए। और बात करें अगर यहाँ पर इस मैच की, तो आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर रिडल की तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, और जैक सेबले जूनियर और रिडल के बीच में जबरदस्त कंपटीशन के बाद फाइनली यहाँ पर रिडल मैच के एंडिंग के ऊपर बैट डी टीटो के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए, और मैट रिडल इस मैच को अपने टीम के लिए जीत लेते गए। बट गाइस, इसके बाद आज यहां पर NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली एक्शन में देखने को मिले, जो यहां पर पेपर व्यू के ऊपर पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट में सिंगो ताकागी को फेस करते गए, और हमें आज यहां पर ताकागी और मॉक्सली के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है। यहां पर आज इस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर हमें यहां पर काफी सारे वेपन का यूज होते हुए दिखाई देता है, और गाइस करीबन 30 मिनट के इस मैच के अंदर लिटरली ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे को मारी डालते गए। जहां पर इस मैच के अंदर टेबल चेयर और काफी सारे वेपन को यूज करने के बाद मैच के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली फाइनली उनका फिनिशर डेथ राइडर हिट करके इस मैच को जीत जाते गए, और आज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर मॉक्सली के प्रोमो के अंदर वो यहां पर NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेट्सुआ नाइटो को कॉल आउट करते गए।